हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो सुबह के बज रहे 9:30 और आज स्वाति बहुत खुश है, पता नहीं क्यों। क्योंकि आज स्वाति के भैया और दीदी आए, मतलब साले साहब आ रहे हैं, तो बहुत खुश है। देखो सुबह सुबह आज उठ गई 8 बजे, काम धाम कर रही है, मैगी बना रही है जल्दी से ताकि मम्मी पापा नाश्ता कर ले। पर हम लोग जाने वाले हैं आज उनको दिल्ली में लेने, क्योंकि इटावा से डायरेक्ट ट्रेन थी सोनीपत की, बट उसमें रिजर्वेशन नहीं हो पाया, तो इटावा से दिल्ली तक का रिजर्वेशन हो गया था। तो उसके बाद हमने कहा कि हम गाड़ी अपनी है, अपनी गाड़ी है, तो अपनी गाड़ी से लेने जाएंगे। तो 9:30 हो चुका है और निकलते हैं, ताकि हमें 1.5 घंटा लगेगा। अभी 11:20 पर उनकी ट्रेन दिल्ली आएगी, तो हमें 11:15 तक पहुँचना ही पहुँचना है, चाहे कुछ हो जाए। तो देखो स्वाति क्या कर रही है। आ जाओ स्वाति, नहा लिया? वेरी गुड, आज कितनी खुश लग रही है तुम्हें। कभी मेरा भांजा आता था तब इतनी खुश नहीं हुई। तो रहने दो, रहने दो, मैं हमेशा खुश होती हूँ, जो भी आता है। हाँ, ये चुन्नी कैसे उड़ी तुमने? क्यों, क्या हुआ? अच्छी लगी, जल्दी चलो यार, 2 मिनट रह गए तुम्हारे पास। तो आज 56 भोग बन रहे हैं, मम्मी भी सब्जी काट रही है। सब्जी काट रहे, सब्जी बनेगी है? सब्जी, दाल, चावल, रोटी, सलाद। अच्छा, ऐसा होता है कि जब कोई साले साहब या जीजा जी आते हैं, जब साले और जीजा का मिलन होता है तो धमाका होता है। मैं जब अपने जीजा जी के पास जाता हूँ तो धमाका होता है, चाहे वो ऐसे हो चाहे वो ऐसे हो। लेकिन जो हमारे साले साहब हैं वो बच्चे हैं अभी, ये भी नहीं करते और ये भी नहीं करते, ये तो करते ही नहीं, शुद्ध शाकाहारी। तो पनीर की सब्जी खिला के खुश करना पड़ेगा, बताओ। और मैं भी नहीं करता, ये करता हूँ लेकिन पनीर खा लेंगे कोई बात नहीं, ये नहीं करता। घर यहाँ लिख दूंगा मैं, दारू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ना। तो अपने साले साहब के लिए यही लाया हूँ, इसी में खुश हो जाएंगे वो। ये लाया हूँ और पेटी लाया हूँ, पूरी पूरी पेटी लाया हूँ अपने साले साहब के लिए। हाँ, पियो दबा के, पियो दबा के कर दो खाली अपने जीजा जी को। हमारी ट्रेन आ चुकी है, इसी ट्रेन में हमारा रिजर्वेशन है, डब्बा नंबर हमें पता नहीं है। जनरल के टिकट का लेके हम इसमें घुस रहे हैं। ये नहीं है, ये नहीं है भाई, अगला अगला। तो हमारा विचार आ जा, अरे इधर, ये नहीं है भाई, D2 बोरा बोरा पूरा भाग। तो गाइस फाइनली हमारा ट्रेन से सफ़र शुरू हो गया है, क्योंकि हम पहले गाड़ी से जाने वाले थे तो डीजल के पैसे नहीं थे हमारे पास, तो हम ट्रेन में चढ़ गए। स्वाति पहले गाड़ी से जाने वाली थी, पर ट्रेन में अपना ही अलग मजा है। वो तो अब तुम अपने आप को तसल्ली दे सकती है, क्योंकि हमारे पास डीजल के पैसे नहीं थे। दिल्ली आना जाना मतलब 10 लीटर तेल कम से कम 1000 रुपये। अरे 90 रुपये में 3 जने पहुँच रहे हैं, 1, 2 और 1 मैं 3। अब कमाल की बात यह है कि हम 2 लोगों के लेने 3 लोग जा रहे हैं, बताओ। पता नहीं क्यों हमारी ट्रेन इटावा से डायरेक्ट सोनीपत तक आती है। हम चाहते तो सीधी ट्रेन भी करा सकते थे, लेकिन हम पागल हैं भैया। तो गाइस अभी ट्रेन में हमें टिकट मिल गया था, क्योंकि हमने जनरल ट्रेन का टिकट लिया हुआ है और शताब्दी में चढ़े हुए हैं। तो टिकट मिल गया था, मैंने अपना फेस छुपा लिया, क्योंकि टीटी शकल देख के हमेशा पैसे मांगते हैं। मैंने इसलिए चुका लिया, कहीं मेरे को मांग ना ले। उन्होंने सोचा मैं शकल से भिखारी लग रहे हो, क्या मांगे पैसे, रहने दो। उन्होंने ये देखा कि अंकुश की वाइफ स्वाति है, इसीलिए भिखारी हो गया बेचारा। तो सब्जी मंडी स्टेशन पहुंच गए, बस अगला स्टेशन रह गया नई दिल्ली का। तो गाइस फाइनली हम नई दिल्ली स्टेशन पहुंच चुके हैं और अब ढूंढते हैं हम अपने साले साहब को। 11 पे आइए ना, ये देख लो, ये आके स्टेशन पे आ चुकी है, अपने भैया और दीदी को नहीं ढूंढ रही, कह रही है वीडियो बनाओ। अरे पहले ढूंढो, बैठे हैं तो बैठे हैं, ढूंढोगी नहीं। तो साले साहब की ट्रेन आ चुकी है हमारी इटावा से, अब ढूंढ रहे हैं कहाँ है वो। तुम रहने दो, ट्रेन अभी भी खड़ी है, इतनी देर में निकल जाती है। जी नमस्ते, खुश रहो बेटा, खुश रहो। ना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घर पे बेटा। अरे खुश रहो, चलो 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 चलो। हाँ
किससे शर्मा रहे बेटा? चलो बेटा चलो। ओ नीचे तक। ओ माय गॉड इतना प्यार। बस भाई छोड़ दे। अरे बस बस भाई बस। फाइनली मिल गए हमें हमारे पहुंचा वाले भैया। दरभंगा जंक्शन बिहार संपर्क क्रांति। तो अब चलते हैं घर, थक गए हैं तो समोसे पैक करा लिए हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू। साले साहब आए तो समोसे लेना बहुत ज़रूरी है ताकि मेरे को कोई ये कह ना सके कि कैसे चीज़ा मिल गया यार, समोसे तक नहीं खिलाए। तो घर आ चुके हैं और ऐसे हमारा मोती स्वागत करता है, हमारा मोती स्वागत कर रहा है। आ गए नोएडा, आ गए। ट्रेन में बैठे बैठे रो रहा है, हमें नोएडा जाना है। मेरे को सोनीपत नहीं जाना, नोएडा जाना है बेटा। नोएडा आई है, नोएडा आ गए, नोएडा आ गए। हाँ ये हमारा मोती है, अभी भौंक रहा है पर चढ़ेगा देखना। पेटी लाया हूँ तुम्हारे लिए। पेटी अरे कोक तो कोक है, चाहे डाइट की हो चाहे किसी की हो। चीनी इसमें डालोगे? चीनी तुम्हें यार, स्प्राइट पी लो इससे बढ़िया। अरे स्प्राइट है वो, अगर किसी को कोल्ड ड्रिंक है डाइट कोक है अगर ये नहीं पीनी तो स्प्राइट दे दूंगा मैं। मोती हाँ पहचान गए, ये जे रजत है, जे समोसा, जे डाइट कोक है। अगर डाइट कोक अच्छी नहीं लग रही रख दो, मैं स्प्राइट दे दूंगा। अच्छी है ना डाइट कोक? तो कैसा लग रहा है रजत सर हमारे मोहल्ले में आके अपना इटावा छोड़ के? आप कैसे सुना? मैं इटावा से लाया हूँ। हाँ इटावा से लाया हूँ। कैसा लग रहा है? क्या कैसा लग रहा है सोनीपत में आके? हाँ हरियाणा के हैं, ठीक है, वेरी गुड। यू क्या अच्छा लग रहा है? इटावा जाओगे अब? नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाओगे? हम नोएडा में हैं इसलिए। वेरी गुड। अच्छा तुम मेरे घर पे आते हो, हम तुम्हारे घर पे जाते। अच्छा सुनो इटावा क्यों नहीं जाओगे? इटावा अच्छा नहीं है ना? देखो स्वाति छोटे से लड़के को समझ में आ गया इटावा अच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हें आज तक समझ नहीं आया है इटावा अच्छा है। चलो बनाओ खाना पीना। वो तो बच्चा है, तुम होगी बड़ी। मम्मी जी से पूछो, चलो मम्मी जी से पूछ लो। मम्मी हमारा तो घर है इटावा में, इटावा अच्छा नहीं है? इटावा अच्छा है? इटावा अच्छा नहीं है? इटावा तो बहुत अच्छा है। हाँ इटावा में अच्छा नहीं लगता है? इटावा अच्छा नहीं है ना? हाँ इटावा अच्छा है ना? नाना याद कर रहे बेटा। तो मम्मी का भी मायका है इटावा, स्वाति का भी मायका, तो जिनका मायका वो तो अच्छा बोलेंगे ही है ना। हमारा और ये अच्छा है, इनका भी मायका, आपका भी इटावा है। लो अच्छा है इटावा, हो गई तुम्हारे लिए तो हो गई भाई इटावा अच्छा। कॉलेज वाली का नाम क्या तुम्हारे, स्कूल वाली का? तो रजत की स्कूल में गर्लफ्रेंड है, नाम नहीं बताऊंगा नहीं तो रेड पड़ जाएगी। तो अगर आप ब्लॉग देखती हैं तो रजत को देख लीजिए, पहचान जाना कि हाँ कौन किस पे लाइन मारता है। ले जा तुम्हारे लिए तो है बेटा, लेकिन डाइट वाली है तो क्या होगा, चीनी डाल के पी लूंगा। अरे कर दी ना स्वाति वाली बात, चीनी डाल के पी लूंगा। युग तुमसे बड़ा है, वो हाइट नाप लो बेशक। अब पापा जी पता है स्टेशन पे जैसी मेरे से मिला
कम से कम 15-20 बार तो पूछी थी इसने, है मम्मी, जैसे स्टेशन पे मिला कम से कम 15-20 बार तो पूछी थी, जैसे बस मौसा ही है। अब घर पे आने के बाद देख भी नहीं रहा, पूछी तो पूछी युग तो पुराने हो जाओ, पूछी दो, अरे फोन भी दे दो यार। ये बस बस बेटा बस, अरे मेरी की आ गई क्या? बस नहीं, युग से बड़ा है, युग से बड़ा है। तो गाइस शाम के 6:30 हो रहे हैं और अब ब्लॉग देख रहे हैं पूरी फैमिली, रजत भैया भी आ गए हैं, क्या नाम है इसका भूल गया मैं, युग, युग भैया भी आ गए हैं, दीदी भी आ गई है, स्वाति, सारे ब्लॉग देख रहे हैं। तो आज हमने ब्लॉग थोड़ा लेट डाला, शाम के 5:30 के आसपास, क्योंकि मेरे को रजत को लेने जाना था, सुबह ही मैं पहुंच गया था स्टेशन दिल्ली, यहाँ से दिल्ली लेने गए थे, तो इनमें से मैंने वीडियो एडिट नहीं कर पाया था, जल्दी सोना था और जल्दी उठना था, इसको लेने के चक्कर में ब्लॉग लेट हुआ है। नहीं तो वैसे तो होता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम लेट लतीफ आदमी है, वादा किया है ब्लॉग डेली आएगा, अब टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, समझा करो, थोड़ी सी सिचुएशन खराब है, खर्चे मेरे ना डेली दिन पे दिन खर्चे नए नए आ रहे हैं, तो कब कहाँ से खर्चा आ जाए कुछ पता नहीं, मेरे तो इस वजह से थोड़ा सा टेंशन होती है दिमाग में, इस वजह से ब्लॉग नहीं बन पाता। तो गाइस 10:45 हो रहे हैं रात के और खाना खाने का टाइम हो गया है, आ जाओ खा लो, जिस जिसको खाना है, आज बने हैं आलू के टमाटर, आलू टमाटर की सब्जी, हाँ हाँ, और हमारे युग भैया फोन चलाते चलाते खाना खाते हैं, अगर फोन छीन लो, खाना खाओ, खाना खाओ, खाना खाओ बेटा, मूड खराब हो जाए, अच्छा तुम्हारा भी मूड खराब होता है, अच्छा हो गया मूड खराब, लियो लियो लियो, अरे लियो बेटा खाना खाओ। तो बिल्कुल मौसी पे गया है, मौसी आज पता नहीं कैसे फोन साइड में रखा हुआ है, नहीं तो इनका डोरेमोन चल रहा होता है, तो आ जाओ, जिस जिसको खाना खाना है बाद में मत कहना बुलाया नहीं। तो गाइस रात के 11:30 हो रहे हैं और अब ये गेम खेल रहे हैं, सोने का टाइम हो गया है, ये भी देखो दमचक काट रहा है, सो जा बेटा। तो गाइस वीडियो एडिट कर देते हैं, कल आपको टाइम पे 10:30 के आसपास वीडियो मिल जाएगी, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, कैसा लगा ब्लॉग लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लव यू ऑल, बोलो लाइक कर दो, लाइक कर दो, बाबा, बड़े बाबा, सब्सक्राइब कर दो, चैनल